आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक विभाग उत्तर प्रदेश के अंतर्गत कार्यरत संस्था सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस के माध्यम से गोरखपुर मंडल की एक दिवसीय गवर्नेंस जागरूकता कार्यशाला का आयोजन एनएक्सी भवन सभागार में संपन्न हुआ, जिसका उद्घाटन अपर आयुक्त प्रशासन अजय कांत सैनी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर अपर आयुक्त ने अपने संबोधन में कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को ई गवर्नेंस के क्षेत्र में प्रदेश एवं केंद्र सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जागरूक करना है, जिससे मंडल एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को ई गवर्नेंस के माध्यम से प्रदेश की दूरस्थ स्थानों तक नागरिक सेवाओं को पहुंचाने तथा विकास के कार्यों को त्वरित गति से लागू करने में सहायता मिल सके। कार्यशाला में सोशल मीडिया, सीएम हेल्पलाइन, ई ऑफिस तथा ई डिस्ट्रिक्ट के संबंध में वक्ताओं द्वारा विस्तृत रूप से प्रकाश डाला गया। कार्यशाला में सेंटर ऑफ ई गवर्नेंस उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधि रोहित श्रीवास्तव, जिला प्रबंधक ई डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर नीरज कुमार श्रीवास्तव भी मौजूद रहे। वो सोशल मीडिया का होगा, उसके बाद हम लखनऊ के कौन तरफ से आए हुए हैं इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। अगर ई डिस्ट्रिक्ट हो या ई ऑफिस जो आने वाले समय में तीन वर्ड की अगर बात करूंगा कि इफेक्टिवनेस कैसे बढ़ाए, एफिशिएंसी कैसे बढ़ाए और ट्रांसपेरेंसी जो सबसे ज्यादा इस्तेमाल आप सही तरीके से करेंगे। और आज जो वर्कशॉप है, ये वर्कशॉप आपको हर तरह के, चाहे मुख्यमंत्री की 1076 से लेके जो है ई ऑफिस, मतलब हर तरह की जानकारी दी जाएगी। और उस जानकारी का लेने का कुछ लोगों को जानकारी होगी, कुछ को आंशिक जानकारी होगी और कुछ लोगों को जो है काफी कुछ डिटेल्स भी पता होगी। पर उस डिटेल्स को और परफेक्ट करने के लिए जो आज ये वर्कशॉप की गई है, मैं समझता हूँ हमारे पूरे इस मंडल में चार जनपद है, चार जनपद के ही सारे अधिकारी जो है यहाँ पर उपस्थित है और इस वर्कशॉप का इस्तेमाल करें और आने वाले टाइम में सरकार को जो है जो अपेक्षाएं हैं, जो सरकार चाहती है, जैसे ई ऑफिस का ही है, इस समय सरकार ही चाहती कि हमारे जितने भी फाइल का मूवमेंट तक भी से लेके हर पेपर्स का वो इतनी जल्दी हो जाए। और तो मैं समझता हूँ अभी धीरे धीरे इतनी परिवर्तन करना हमारे हम नहीं कह सकते कि हम एक महीने, एक साल या दो साल, परंतु अल्टीमेटली हम सब लोगों को करना है। और जो नई पीढ़ी है, वो नई पीढ़ी आज की जो है, मैं समझता हूँ कि ये मोबाइल के टेक्स्टिंग वगैरह का कोई मैसेज भी आता है उसको तुरंत कन्वे भी करते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। हमारे बहुत सारे जो आप 50 साल से ऊपर के हैं, उन लोगों के लिए थोड़ी प्रॉब्लम जरूर है, पर तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं सीख सकते हैं, वो लोग भी सीख सकते हैं। और जो हमारी सरकार की जो जो भी योजना है उसका बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सर और आम जनता को इसका लाभ बेहतर तरीके से आप लोगों को कराना पड़ेगा। और कम से कम चाहे सूचना, चाहे जन सूचना से लेके हर प्रकार की सूचना आम जनता को जिसे कहते हैं मिनटों में उपलब्ध कराने का सिस्टम अगर हम लोगों ने करा लिया तो हम समझते हैं कि हमारा देश जो है स्ट्रांग बनेगा, हमारा यूपी भी स्ट्रांग बनेगा और हमारे इस जो है मंडल में सारे जनपदों में भी हमारी जो है रेपुटेशन इस एरिया की भी बेहतर होगी। और मैं उम्मीद करता हूँ आज इसका बेनिफिट आप सब लोगों को होगा।